हाय फ्रेंड, फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया BY-M1 माइक की। दोस्तों ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त माइक है, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये अमेज़ोन से ऑनलाइन बाय किया है, तो देखते हैं हम इसे अनबॉक्सिंग करके क्या कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं। तो चलिए अभी इसे करते हैं अनबॉक्स। तो आप ये देख रहे हैं, ये इसका पैकेट है बोया BY-M1, जो इसकी ब्रांडिंग इसके ऊपर की गई है। और यहाँ पे इसके साथ ही कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, पोलर पैटर्न, फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी है, सिग्नल नॉइज सेंसिटिविटी, बैटरी टाइप क्या है। और जो आप ये इसका रेट देख रहे हैं 2750, ये इसका एक्चुअल रेट नहीं है, इसका रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। ये आपको 1000 रुपये से लेके 1300 या 1400 रुपये तक ऑनलाइन मिल जाएगा। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो 1400 रुपये था, लेकिन 1 या 2 दिन बाद दोबारा मैंने चेक किया तो ये मेरे को 1100 रुपये का दोस्तों ऑनलाइन मिल गया अमेज़ोन से। तो चलिए अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। और ये इसका केस है जिसके ऊपर बोया की ब्रांडिंग की गई है, काफ़ी अच्छा केस है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये बोया का माइक आप ये देख रहे हैं। और दोस्तों इसकी एक और मेन बात है कि इसकी वायर काफ़ी लंबी है, इसकी 20 फिट की इसकी वायर है, जिसे आप जैसे चाहे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और कुछ और चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, पैकिंग पाउच। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें कुछ क्लिप है, अडेप्टर है, और ये हमें इसकी बैटरी मिलती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। LR44 इसके अंदर बैटरी है। ये एक स्पंज मिलता है ताकि हवा की डिस्टर्बेंस ना हो, और ये क्लिप मिलता है कॉलर में अटैच करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे एक अडेप्टर मिलता है, अगर आपके पास कैमरा है तो आप इस अडेप्टर को लगा के अपने कैमरे में भी इस माइक को यूज़ कर पाएंगे। और अगर बाय चांस आपके मोबाइल में ये माइक वर्क ना करे तो आप प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करके उस ऐप में एक्सटर्नल माइक ऑन करके आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा माइक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें कैसे बैटरी इंस्टॉल करनी है। और आप देख रहे हैं इसका 3.5 mm का जैक है, और ये इसकी अब बैटरी कंपार्टमेंट है, और इसकी 20 फीट की इसकी वायर है। आप इसे कैमरे और मोबाइल में किसी में चाहे आप जिसमें चाहे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पर एक बटन दिया गया जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा या मोबाइल है आप उसी मोड पर इसे सेट कर सकते हैं। ये माइक है, तो चलिए देखते हैं हमें इसके अंदर बैटरी कैसे इंस्टॉल करनी होगी। इसे ओपन करते हैं अभी। तो यहाँ पे जगह दी गई है बैटरी डालने की। और फ्रेंड्स आपने इसके अंदर एक बार बैटरी डाल दी तो ये बैटरी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, आपको बार बार बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ती और ना ही ये चार्जेबल है। एक बार बैटरी डालने के बाद ये काफ़ी लंबा टाइम निकाल देगी। तो यहाँ पर स्लॉट दिया गया है बैटरी डालने के लिए, आपको इस तरह इसके अंदर बैटरी डाल देनी है। बैटरी डालने के बाद आपको इसे बंद कर देना है। सिर्फ यही छोटी सी इसकी इंस्टॉलेशन है दोस्तों, आपको सिर्फ इसके अंदर बैटरी डालनी है। और अब अगर आपके पास कैमरा या मोबाइल, आपको बटन को उसी मोड पर सेट कर देना है और आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है दोस्तों इस माइक की, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपको ये क्लिप आपको यहाँ पे लगा देना है, उसके बाद आप अपनी इसी कॉलर में अटैच कर पाएंगे। और आप थोड़ी दूर से इस माइक को यूज़ करें ताकि आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी मिल सके। और यहाँ पे एक स्पंज आप लगा दें ताकि हवा की डिस्टर्बेंस आपकी ऑडियो में ना क्रिएट हो। तो दोस्तों ये छोटा सा सेटअप है इस माइक का, और ये अनबॉक्सिंग है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप ज़रूर इस माइक को चेक करें। और अगर आप इसका रेट चेक करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी और अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।